Bismillahirrahmanirrahim nirahi alaikum students. Students now we are going to start our next exercise which is exercise 2.9 and in this lecture I am going to discuss all questions and parts related to your exercise 2.9. How jam exercise 2.9 start knew? Ja सबसे पहले उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो कमेंट्स में आ, जैसे ये वीडियो अपलोड होती है तो उनकी कोशिश होती है कि ये अगली एक्सरसाइज विद इन मिनट या विद इन कुछ आर वो मैसेज कर देते हैं कि जी टू पॉइंट अगली कर दें या थर्ड चैप्टर कर दें मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ तो आप लेक्चर सुनते नहीं हैं बेटा और अगर आप सुन रहे हैं तो फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके सारा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिलेबस जिसमें बेटा मैंने थ्योरी की है और उसके बाद क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की हुई हैं और इतने क्वेश्चन और एग्जांपल्स की हैं जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप चेक कर लें जो आपको आप नॉर्मली अकेडमी वगैरह में नहीं करवाई जा रही उसके बाद बाकी पार्ट्स बेटा आपने खुद अटैम्प्ट करने होते हैं ठीक है आप खुद अटैम्प्ट करोगे प्रैक्टिस होगी तो उन चीज़ों को सीखोगे हाँ जो टफ़ चीज़ें ऑब्वियस बात है वो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं सो डू इट योर सेल्फ और प्रैक्टिस करो लेक्चर को देखो मेरी कोशिश है मैं डेली काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आ, ही काम कर रहा हूँ मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम बेटर रिलीफ देता रहूँ जितना मैं कर सकता हूँ ठीक है इट्स टेक टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई डाउट है तो आपको एक चैप्टर पकड़ें आ, आप इसकी कंपोजिंग करवाने के लिए जाएं उन्हें कहिए कंपोजिंग करके दें ठीक है तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने वो आपसे अमाउंट मांगेगा कितना टाइम मांगेगा फिर शायद आपका एहसास हो जाए कि जी आप आ, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कि क्य, क्या चीज़ हो रही है सो so, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा दुआ किया करो और जो लेक्चर अपलोड है उनको देखें अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अदरवाइज़ आप आ, यकीन किसी ना किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे आप कॉलेज में करें और उस बात आप उन टीचर्स को पे करते हैं आप किसी अकेडमी में आए तो आप उनसे करें आप उनको इस चीज़ का पे करते हैं मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा काम करवा रहा था थोड़ी बहुत हेल्प करनी होती है सो कुछ मैसेजेस ऐसे आए थे मुझे जो कि ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम ये हो गया अब अप्स आ गए ये वो तो भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप खुद करें ठीक है मेरी हेल्प होगी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपको सो उम्मीद है कि ये इस चीज़ को आप पॉजिटिव लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट आगे आ, जी लेक्चर की तरफ आते हैं ओके okay जी इसमें थोड़ी सी थ्योरी है पेज नंबर आपको ये मिल जाएगी वन ओ फोर पे इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है लेट एफ बी डिफाइन ऑन एन इंटरवल ओपन इंटरवल है जी ए बी पे एफ फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल डोमेन रेंज का जो लेक्चर है उसमें देखिएगा बड़ा थॉरली आपको बताया हुआ है तो ये कह रहा है ये फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे ए और बी ए आपके पास वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है बी अगर ये टू है बी फॉर एग्जाम्पल फोर है तो वो कह रहा है कि हम क्या कहते हैं इसमें से x1, x2 दो नंबर ले रहे हैं कौन से ये x1 इनके बिटवीन कोई ना कोई नंबर ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये टू फोर है इसको थ्री थ्री पॉइंट फाइव कुछ भी आप कह सकते हैं तो वो ये कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कब होगा इस ओपन इंटरवल पे जब एफ ऑफ़ एक्स टू के जब ये पॉइंट जो होगा आप उसमें पुट करेंगे गिवन फंक्शन में एक्स वन पुट करेंगे और एक्स टू पुट करेंगे अगर एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन होगा या व्हेन अवेयर एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन ऑबियस बात ये नंबर उससे ज्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है और इसको एक और सिंपल वे में भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जो हम एक्सरसाइज में इंक्रीज फंक्शन के लिए चेक करेंगे पहले देखें नहीं यहां तक ओके okay। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बेटा आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है लेट्स एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन एन टबल ए बी ये फिर डिक्रीजिंग में क्या होगा उसी तरह दो वैल्यूज ले रहे हैं और बी के दरमियान बट दिस टाइम आपके पास फंक्शन क्या होगा डिक्रीज कब होगा एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन अगर ये लेस देन होगा एक्स वन इसमें कंडीशन वही है कि एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन नहीं है लेकिन ये फंक्शन का रिवर्स uh, हो गया पहले ग्रेटर देन था तो अब क्या हो गया ये लेस देन हो गया तो ये है जी फंक्शन इसकी डेफिनेशन भी देन में रखिएगा पेपर में अगर आ जाए तो आप आ, वहां कर सकते हैं देखिएगा जी यहां था कोई कंफ्यूजन ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बेटा आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट

उसमें इंटरवल में एक वैल्यू रखकर देख लो अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा अगर आंसर लेस देन जीरो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो है फिर हम कहेंगे फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज एक तीसरा केस भी हो सकता है कि फ्रॉम द अबव थ्योरम वी कंक्लूड दैट नंबर वन है एफ डैश ऑफ एक्स ये पॉइंट हम इसमें पुट कर रहे हैं अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीज का है ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीज और थर्ड क्या है जी कि अगर ये इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो f इज़ नीदर ये नीदर में आएगा ना इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज करेगा तो ये तीन पॉइंट आपने याद रखने जो हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे वन टू एंड थ्री बड़ा सिंपल सा है कि ग्रेटर का मतलब इंक्रीज बढ़ रहा है लेस का मतलब है डिक्रीज कम हो रहा है और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है नीदर में देखें और ये वाला अब आपने याद भी रखना है आगे एक्सरसाइज में हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं पहले देखिएगा यहां तक ओके है तो फिर आगे चलते हैं ठीक है जी चलिए स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट हम इसमें यूज़ करेंगे 107 पेज पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी यानी पॉइंट वेर एफ नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जहाँ पे ना वो इंक्रीज कर रहा हो ना वो डिक्रीज कर रहा हो इसको हम क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ये स्टेशनरी पॉइंट प्रोवाइडेड उसका फर्स्टि जीरो होगा एट दैट पॉइंट तो ये भी एक ऐक्सी चीज याद रखिएगा ये एक्सर वर्ड मैं यूज करूँगा इसको आगे थारोली मैं क्वेश्चन नंबर टू वन के बाद एक्सप्लेन करूँगा फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ जा रहे हैं नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है टेक्निकल uh, क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा पीसिस करके करूँगा कि की बुक से ज़्यादा इसमें मैं चीज़ें इसमें ऐड करूंगा तो परेशान ना होइएगा इंशाल्लाह इसको हम सीखते हैं सो डिटर्मिन द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम द डोमेन मेंशन आपने क्या करना है वो इंटरवल फंक्शन फाइंड करना है इस फंक्शन में कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है कौन सा फंक्शन फंक्शन उसने दिया हुआ साइन एक्स और इंटरवल जो उसने दिया है माइनस पाए टू पाए स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल मैं आपको फिर कह रहा हूँ इंटरवल के लिए डोमेन का लेक्चर एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फोर डोमेन रेंज में जो थ्योरी है उसमें मैंने ये बता दिया हुआ है काइंडली वो वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये लैंग्वेज समझ आई ये स्मॉल ब्रैकेट uh, है स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या चीज़ है खैर आपने ये देखना है माइनस पाए टू पाए कहाँ पे यह फंक्शन क्रीज कर रहा है वहाँ कहाँ पे यह डिक्रीज कर रहा है माइनस पाए टू पाए के दरमियान अगर हम देखें तो अनलिमिटेड एंगल है जी 180 डिग्री 179 डिग्री 179.1 डिग्री 179.2 डिग्री तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा इसको मैं पीस करने जा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कुछ पीसेस कर लेते हैं उन पीसेस को हम सेपरेटली चेक कर लेंगे कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा अब पीस करने के लिए हमें को बैरियर चाहिए होगा बैरियर हम कैसे निकाल रहे हैं ज़रा देखिएगा ये ज़रा की बुक से हटके कर रहा हूँ मैं काम जो भी करने लगा लगाऊँ एफोफेक्स आपके पास दिया हुआ है आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दें सो बाई अप्प्लाइंग ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड एफ ओफेक्स का डेवेटिव क्या है एफ डैश ऑफ एक्स साइन का डेवेटिव बिल्कुल कॉज और फिर एंगल एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन अब बेटा साइन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव आ गया और X का क्या सो इस फर्स्ट नंबर वन को मुश्किल बात अब मैं जो बैरियर निकालने की बात कर रहा था बैरियर हम कैसे फाइंड करेंगे जिस करते हैं, F X 0, ये जो है, उसको इक्वल टू जीरो रखें अब जब इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कॉज एक्स इज ईक्ल टू जीरो कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं एक्स इक्वल आ रहा है नाइन्टी कॉज इनवर्स जीरो जो होता है नाइन्टी डिग्री ये प्लस में भी यही आंसर है और नेगेटिव में भी यही आंसर आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं पाई बाई टू मैंने पाई की फॉर्म इसलिए लिखी है इंटरवल इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ वैसे मैं डिग्री भी आपको लिख के दिखा दूंगा अब हमें ये पता चला है कि इसके जो ब्रेकिंग पॉइंट हैं वो हमें समझ आ रहे हैं ये लैंग्वेज में अपनी सॉरी यूज़ कर रहा हूँ होपफुली आप इसको सिर्फ समझाने के लिए तो ये नेगेटिव पाए है तो नेगेटिव वन डिग्री पाए है तो मैंने 180 वन डिग्री में भी लिख रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो तो ये देखें जी आपके पास ओपन इंटरवल ओपन टवल में ये जो सर्कल डाला हुआ खाली ये आपको लैंग्वेज अगर आपको याद हो वन में भी मैंने करवाई थी आपकी एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव है उसमें भी हमने ग्राफ बनाए थे तो ये ओपन इंटरवल है अब माइनस पाए से लेकर 180 यानी कि पॉजिटिव 180 तक ये ओपन एंड है अब इसके दरमियान हमने इसके पीसेस करने के लिए कुछ पॉइंट निकाले थे और पॉइंट कौन कौन से थे एक तो ये निकाला है नेगेटिव 90 और एक क्या निकाला है पॉजिटिव 90। तो एक्चुअली हमने इसके पीसेस कर दिए कितने पीस किए हैं टोटल वन टू एंड थ्री टोटल थ्री पीसेस कर दी है इसका फ़ायदा क्या होगा अब देखो हम चलते हैं इस लाइन पे चलते जा रहे हैं हमें नहीं पता कि यार 170 पे ये इंक्रीज कर रहा है 160 पे डिक्रीज कर रहा है तो हमें अब ये तो नहीं कि हर एक वैल्यू हम रख के देखें अब ये हमारे पास पीसीज आ गए इन पीसीस को हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और इसके लिए वही मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव हम लगाएंगे जो अभी हम इससे पहले थ्योरी में मैं आपको करवा चुका हूँ देखो पहले यहाँ तक ऑब्जॉर्व करो समझ आ रही है श्योर है चलें आगे चलें जी आगे चलते हैं हाँ जी ये वाली चीज़ अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है सो so बेटा फर्स्ट केस की तरफ हम जा रहे हैं और फर्स्ट केस आपके पास क्या आ रहा है माइनस पाए uh, uh, से लेकर माइनस नाइन्टी तक यहां से आप कोई भी डिग्री uh, कोई भी सिलेक्ट कर लें ये आपकी मर्जी है ठीक है इसमें पुट किस में करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में अब ये जो, ये ये जो येलो वाला लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये हर एक क्वेश्चन में आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाला हुआ अब इसमें से कोई नंबर पिक करें अपनी मर्जी का नंबर पिक करें मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ जी ये फर्स्ट केस को हम डिस्कस कर रहे हैं 180 और 90 के दरमियान में माइनस वन ट्वेंटी ले रहा हूं तो आप कॉज ऑफ नेगेटिव करेंगे एकस दैन जीरो मीन ये फंक्शन क्या होगा लेस देन जीरो पे ये देखो ऊपर ये डिक्रीजिंग इसलिए येलो वाला सर समझाने के लिए लिखा है तो फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग अब कोई एक आध और नंबर ले लो फॉर एग्जाम्पल अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माइनस फिफ्टी डिग्री तो -150 डिग्री अगर इसमें पुट कर रहा हूं तो सबसे पहले cos नेगेटिव साइन का ऑब्जर्व करेगा cos 150 के इक्वेटर से देखेंगे तो अंडर रूट 3 ओवर टू अगेन ओएचएस लेस देन जीरो द फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन अब आपको मैं एक बार बताऊं मजे की कि यहां पे इस इंटरवल में आप कोई भी डिग्री लेके चेक करेंगे वो आंसर लेस देन 0 ही आएगा और ये फायदा हुआ हमें बैरियर लगाने का इसमें माइनस नहीं पुट करना है क्योंकि उसने कहा हुआ था नहीं करना है क्योंकि है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कर रहा है किस में से माइनस नाइनटी तक लिए, लेकिन ये ओपन इंटरवल है ना इसमें माइनस पाई इंक्लूड है ना इसमें क्या है negative 9, negative 2 include, I mean देखें यहां तक कंफ्यूजन अभी हमने क्या किया ये एक केस को डिस्कस कर दिया है अब हम इसका दूसरा पीस लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन वहां पे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो चेक करते हैं जी ओके तो सेकंड केस की तरफ देखते हैं फर्स्ट जो है बेटे हमारे पास था बिल्कुल सेकेंड केस में हमारे पास क्या था जी मैं लैदा लैदा पीस लिख भी रहा हूं ताकि समझने में आसानी माइनस नाइनटीज से नाइनटी के दरमियान हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं डिग्री हमने -70 सिलेक्ट की है तो cos ऑफ -7 ठीक है आ जाएगा कॉस 70 कॉस 70 किसके इक्वल है 0.34 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 प्लस है पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन क्या होगा इंक्रीज करेगा एक और डिग्री लेके चेक कर लो जी फॉर एग्जांपल मैं 0 डिग्री पे चेक कर रहा हूं जो कि -90 डिग्री और 90 के बिटवीन कहीं ना कहीं पे होगी तो जीरो, जीरो किसके इक्वल होता है? से भी देख सकते हैं जीरोसके स्मॉल ब्रैकेट जरूर डालिएगा ब्रैकेट की लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूं आपको आनी चाहिए यहां पर मिस्टेक मत कीजिएगा देखें यहां तक तो कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते okay, चले आगे अब रह गया था इसका तीसरा पीस तो तीसरे इंटरवल पे हम चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है सो थर्ड आपके पास केस क्या था इंटरवल क्या था 90 से लेकर 180 डिग्री था तो 90 से 180 डिग्री की अगर हम बात करें कोई भी इसमें से डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं मैंने पॉइंट एक्सोडी तो डिग्री चेक की है कॉज वन के डिग्री पे देखेंगे Which is less than zero, so the given function is a decreasing function. Now, select an other degree which is say x is equal to degree 150 degree. It's up to you. Uh, you have to choose yourself any other degree which lies between 90 and 180 degree. So put x is equal to degree 150 degree in equation one by uh, using your calculator. You have कॉस वन फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू विच इज लेस दीरो द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन सो द गि फंक्शन इज डिकीजिंग इन दिस इंटरवल विच इज नाइंटी टू वन एटी नाइन्टी टू वन एटी में हमारे पास ये क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा अब सारी चीज़ों को जरा समअप करते हैं तो सम में आपके पास क्या आंसर आएगा चेक करते हैं जी ओके okay, जी तो सम में ज़रा आंसर चेक करते हैं तो सम में आंसर जो आ रहा है इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे हो रहा था डिक्रीज़ दो जगह हो रहा था तो हमने एंड का वर्ड यूज़ कर लिया है सो द एफ इज इंक्रीजिंग इज दिस ओपन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग और माइनस नाइन्टी टू माइनस वन एटी टू माइनस नाइन्टी एंड नाइन्टी टू वन एटी ये है जी फाइनल आंसर अब अगर आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें डिटर्म द इंटरवल वो इंटरवल आपने फाइंड करने थे जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है ये था जी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है लेकिन मैंने कोशिश की है इसके पीसेस करके उम्मीद है कि ये आपके लिए इजी होगा चलें जी आगे ओके अब आप आ, आ, इसकी चलें एक पार्ट में और करो आ रहा हूं इसके बाद आप खुद जरा अटेम्प्ट करिएगा पहले देखते हैं कि ये साइन कॉज वाला तो आप खुद करेंगे बल्कि ये खुद करें वीडियो को स्टॉप करें डू इट यू एस एल बड़ा सक्सेसफुल रह रहा है ये वाला मेथड जो मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को स्टॉप करके आप खुद किया करें और वीडियो को जब कर लें तो फिर प्ले किया करें ताकि बेटा आ, फिर मेरे साथ आप टैली किया करें और जब आंसर ठीक हो तो जरूर कमेंट में बताया करें कि जी थी, आंसर ठीक है सो वीडियो स्टॉप करें और डुट योर सेल्फ ओके जी अब मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है कॉज ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर यूज कर लें कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन सो दिस विल बी कम एफ डैश इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल

नेगेटिव ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा उस तरह जीरो है तो ये आ जाएगा जीरो इसका मतलब जो ब्रेकिंग पॉइंट इसका हमने निकाला जो सेशनिंग पॉइंट है वो कौन सा है वो है जी इंटरवल दिया हुआ था माइनस नाइन्टी से नाइन्टी ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है जो पिछले क्वेश्चन से और ब्रेकिंग पॉइंट हमने जीरो निकाल लिया चले जी दो पीसेज हमने इसके कर लिए वन एंड टू अब वन बाय वन करके इसमें चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है पहले देखें यहाँ तक ओके okay है तो फिर हम आगे चलते हैं ओके okay जी अब हम चेक करते हैं जी दो हमारे पास इसके इंटरवल थे चेक करेंगे कि और बाद फर्स्ट रेवेटिव से हम चेक कर रहे हैं कि जी कहाँ पे फंक्शन ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो फर्स्ट हमने लिया था माइनस नाइन्टी से ज़ीरो डिग्री इनके बिटवीन कोई भी हम डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं और ये है नगेटिव सिक्सटी डिग्री सो एक्स की जगह पे आप क्या करेंगे नेगेटिव सिक्सटी पुट कर देंगे तो नेगेटिव 60 साइन अच्छा साइन माइनस सीटा होता है नेगेटिव एंगल का बाहर आ जाता है तो ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अब आप कैल्युएटर का यूज़ कर सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ओवर टू तो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव आ रहा है सो द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा फंक्शन एक और डिग्री लेके चेक कर लेते हैं जी फॉर एग्जाम्पल माइनस थर्टी डिग्री पे इसको चेक करते हैं सो so, x की जगह पे -30 रखें sin ऑफ -theta नेगेटिव बाहर आ जाएगा और एक नेगेटिव ऑलरेडी पहले है सो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा sin 30 आपके पास होता है 1/2 तो ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या हो जाएगा अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन देखें यहां तक को कंफ्यूजन इसका मतलब क्या हुआ इस interval क्या कि इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे -90 से 0 फर्स्ट so तो इसका इंटरवल चेक कर लिया हमने अब इसके दूसरे पीस की तरफ चलते हैं फिर देखो यहां तक यहां तक ओके है तो फिर आगे चलें। चलें। ओके okay जी तो नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है ठीक है जी फंक्शन दिया हुआ है अब आपके पास जो इंटरवल चेक करने वाला है जीरो से लेकर नाइन्टी तक कोई भी एक डिग्री सेलेक्ट करें फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कह रहा हूं सिक्सटी डिग्री सो नेगेटिव साइन नेगेटिवी होता है और नेगेटिव ये पहले ही था तो ये नेगेटिव आ गया इज़ लेस जीरो सो द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन फिर इस इंटरवल पर बात कर रहे हैं थर्टी डिग्री पे चेक करते हैं इस फंक्शन को साइन थर्टी होता है वन ओवर टू बट नेगेटिव बाहर है तो ये नेगेटिव आ रहा है सो so ये भी डिक्रीजिंग हो जाएगा सो द गिवन फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग एंड दिस इंटरवल मीन जीरो टू नाइन्टी पे जाकर ये डिक्रीज कर रहे हैं देखिएगा यहां तक कोई कन्फ्यूजन अब जरा इसको सम अप भी कर देते हैं जी दो थे हमारे पास इंटरवल जिसमें हमने इसको चेक किया है ओवरऑल इंटरवल में सिर्फ दो पीस किए थे तो इसका मतलब क्या हुआ कॉज ऑफ एक्स जो माइनस नाइनटी से नाइन्टी पे जब हमने चेक किया है तो ये इंक्रीज कर रहा था इस इंटरवल पे माइनस नाइन्टी टू जीरो और कर रहा था ये जीरो टू नाइनटी देखें यहां तक कोई कन्फ्यूजन चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर है हाँ मुझे सेकंड पार्ट का बताइएगा कितने लोगों का ठीक है कमेंट्स में जरूर बताइएगा यहाँ पे भी थोड़ा सा चलें मेरे साथ कर लें फिर ऐसे अगला पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है सबसे पहले काम तो फिर वही है माइनस टू 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 ओपन इंटरवल है हमें इसका ब्रेकिंग जरा पॉइंट निकालना है स्टेशनरी पॉइंट निकाल रहे हैं फर्स्ट डेवेटिव पहले लेते हैं फर्स्ट डेवेटिव लेंगे दोनों तरफ ऑपरेटर यूज करेंगे लेफ्ट साइड पे तो बेटा आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और राइट साइड पे क्या आ रहा है फोर का डेवेटिव जीरो होता है और एक्स स्क्र पावर रूल द्वारा लगाएंगे पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डवेटिव थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया होपफुली आप इसको कर सकेंगे सो फर्स्ट डेवेटिव आ गया माइनस टू एक्स हम क्या कहते होते थे सेशन uh, पॉइंट के लिए पुट फोर्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस टू बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा जाए। देखें पहले यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब पीस uh, क्या हो गए जी इसके इंटरवल के देखें था ओपन uh, इंटरवल था माइनस से लेकर टू तक यही इंटरवल था अब ये जीरो इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है ठीक है स्टेशनरी uh, पॉइंट है तो अब दो पीसेस हमने कर दिए नंबर वन एंड टू मीन माइनस टू टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू टू काम फिर वही पुराना अब आप वीडियो को स्टॉप करके अपने ऑन पर कर सकते हैं रिक्कन को भी करना चाहें तो चलें जी मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था हमारे पास ये इंटरवल था जिसको हमने चेक करना है माइनस टू टू जीरो कोई भी नंबर इसमें से सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्स जीरो टू माइनस वन इस माइनस टू और जीरो के बिटवीन कोई भी नंबर ले लिया माइनस वन जब हम करेंगे तो आंसर प्लस टू आ रहा है विच इज ग्रेटर दैन जीरो द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन अब एक और नंबर सेलेक्ट करते हैं दिस टाइम मैं 1.5 इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं तो जब मैं ये करूंगा तो अगेन माइनस टू इंटूटिटेटिव इंटू इंक्रीजिंग फंक्शन तो इस इंटरवल पे ऑन द होल आपके पास क्या आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन सो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन माइनस टू टू जीरो इंटरवल है देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके okay. चलें आगे। चले आगे ओके जी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी आ, दूसरे इंटरवल की बात करें दूसरा हमने जो पीस किया था इसका था वो जीरो से लेकर टू तक था कोई भी नंबर इसमें से सिलेक्ट करेंगे और इसको पुट करते हैं फर्स्ट डायबेटे में मैंने वन सेलेक्ट किया है सो पुट एक्स इज टू वन

आप ज़ीरो से लेकर टू तक ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है कोई मुश्किल बात नहीं तो ज़रा इसको भी अगेन सम अप करते हैं जी ये दोनों हमने जो किए हैं इसको इकट्ठा करके मैं लिख रहा हूँ जी तो आपके पास जो आ रहा है इस टाइम पे दस एफ इज इंक्रीजिंग इन दिन डबल माइनस टू टू जीरो और डिक्रीजिंग क्या कर रहा है जीरो से लेकर टू तक दैट्स इट यही हमने निकालना था जी इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ज़रा स्पीड से आगे हो गए ओके okay, है जी बताइएगा कितने दोस्तों का ये ठीक हुआ है अब अगला लास्ट पार्ट रह गया जी इस क्वेश्चन का और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन आप ख़ुद भी करेंगे और बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं इन शाला ठीक भी होगा लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें इसको कैजुअल मत लिया करो ये जो मैं आपको यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ कि जी इसको स्टॉप करके किया करें इन तरीके से करें कोई बात नहीं ज़रूरी नहीं है इस, मैं इकट्ठी एक्सरसाइज इसीलिए करता हूँ ताकि एक ही जगह पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ मेरी पूरी कोशिश होती है तो इसको आप एकदम से नहीं दो तीन घंटे में या दो घंटे में कर सकते हैं टेक टाइम आप पीसेस कर सकते हैं इसके और इसको सॉल्व कर सकते हैं मसा कोई एक डेढ़ घंटा पढ़ लिया फिर दोबारा एक डेढ़ घंटा अगले क्वेश्चंस की तरफ चले गए खुद करो साथ साथ कोशिश करो जब करोगे तो फिर समझ आएगी खाली वीडियो देखने से समझ तो आ जाती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये देखें जी अगला है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसको अपने ओन पे कोशिश करें करने की चलें शाबाद जल्दी से ओके okay. अब मैं करवा रहा हूँ होपफुली आपने करके वीडियो प्ले की होगी अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ये आ रहा है सो डिफेंशिएट देश विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से इसको डिफेंशिएट कर लें एफ एक्स आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स पावर रूल लगेगा जी एक्स स्क्वायर पर पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव थ्री कॉन्स्टेंट बाहर है एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स है टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव अब एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये रखते हैं जी देगा इंटू वन और टू का कांस्टेंट है है और और किसके नंबर देखें तक कंफ्यूजन, अब बेटा इसका उसी तरह ब्रेकिंग टू एक्स प्लस थ्री उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा यस yes, डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो स्प्लिटिंग पॉइंट है वो कौन सा आ रहा है थ्री बाय टू नेगेटिव में या नेगेटिव वन पॉइंट फाइव भी इसको कह सकते हैं तो इसके दो पीस हो गए जी ऐसा ही है होपफुली आपने भी यही दो पीस किए होंगे जब आपने खुद अटैम्प्ट किया होगा चले जी आगे चलते हैं ओके जी तो देखते हैं जी फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हमारे पास क्या था जी माइनस uh, फोर से लेकर माइनस थ्री बाई टू कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे चलें शाबाद जल्दी से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जी माइनस टू जब माइनस टू के गेट वन में रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव फोर प्लस थ्री या नेगेटिव वन विच इज़ लेस देन जीरो मीन फंक्शन क्या होगा डिक्रीज करेगा ऐसा ही है एक और नंबर पर चेक कर लेते हैं फॉर सेफ साइड एक्स एजेड माइनस थ्री माइनस थ्री पे हम चेक कर रहे हैं तो आंसर चेक करेंगे क्या आ रहा है जी माइनस सिक्स प्लस थ्री आपके पास नेगेटिव थ्री अगेन लेस एन जीरो माइनस फोर से लेकर माइनस थ्री बाई टू ये इंक्रीज लिखा गया है ये डिक्रीज कर देता हूँ ये एक छोटी सी कंपोजिंग मिस्टेक है आपसे रिक्वेस्ट है बेटा अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक नजर आए तो मेरा ई मेल एड्रेस है मोहम्मद आतिफा दौस एट दी डेट ऑफ जी मेल वहां पर मुझे जरूर बता दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो करूँ तो ये मिस्टेक ना हो ठीक है बता जरूर दिया करें जी और थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया करें तो मेहरबानी होगी क्योंकि काफ़ी स्पीड में कोशिश कर रहा हूँ ये लेक्चर साथ बनते हैं मिस्टेक रह जाती है तो उसके लिए सॉरी यार तो ये आ गया माइनस फोर टू माइनस थ्री ओवर टू पे फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है आगे चले जी अब दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं अच्छा दूसरे केस में अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास क्या रहा one, तो आ रहा है सेकंड केस में था माइनस थ्री बाई टू से वन सेकंड केस है और पुट एक्स ए टू माइनस वन जब माइनस वन एक्सो टू पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है प्लस वन वो एच एज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज़ फिर एक और नंबर लिया है दिस टाइम एक्स जीगो टू जीरो जब ये पुट करेंगे एक्स एजीगो टू जीरो तो आपके पास क्या रहा? आ रहा है आंसर थ्री आ रहा है थ्री इज ग्रेटर देन जीरो फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करेगा किस इंटरवल पे माइनस थ्री बाय टू से वन तक ओपन इंटरवल तो मुश्किल बात सो so, इसको अगेन हम सम कर देते हैं तो सम करेंगे तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा माइनस थ्री बाय टू वन पे और डिक्रीज कर रहा था कहाँ पे माइनस फोर से माइनस थ्री टू बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है और वेल्डन जो ठीक करते जा रहे ओके जी जी आगे चलते हैं ओके जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इज़ रिलेटिव एक्सट्रीमा रिलेटिव एक्सट्रीमा में आपके पास मेनली दो चीजें पेज नंबर वन जीरो एट पे आपको मिल जाएगी रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा मीन पीक पॉइंट आपका जो है हमने वो एक्चुअली फाइंड करना था कर्व की बात करें मैक्सिमम है तो लेट सी एक इंटरवल दिया है सबसेट दिया है डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ वे डेल्टा एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर के आपके पास सी कांस्टेंट है इसमें कोई नंबर ऐड करें या सब करें आपके पास इंटरवल है और ये सबसेट है जी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देन ये आपको डायग्राम बना है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सी है इससे पिछला नंबर लेना फॉर एग्जाम्पल ये टू है तो इसमें से कोई ना कोई नंबर माइनस करेंगे तो इससे पिछला आएगा जो कि सी माइनस डेल्टा है और ऐड करेंगे तो अगला आएगा जिस तरह सी प्लस डेल्टा है तो ये दो नंबर इसमें है जी ओपन इंटरवल है अच्छा जी अ फंक्शन इज सेट टू बी रिलेटिव मैक्सिमा एट दिस पॉइंट इफ़ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स कि अगर आप फंक्शन में ये सी पुट करें इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल और यू कैन से यू कैन से दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स देखो ये वाला पॉइंट ये पूरी कर्व जा रही है तो इसमें ग्रेटेस्ट जो है ना यहाँ पे आ रहा है तो एफ ऑफ सी जो होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में होगी इसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमम तो पीक मैक्सिमम पीक पॉइंट बात कर रहे हैं सिंपल से वर्ड में ओके okay है जी चलें जी इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन है रिलेटिव मिनिमम की बात कर रहे हैं सो so, रिलेटिव मिनिमा क्या है जी ये एल रिलेटिव रेल, मिनिमा में ये एक्सट्रीमा है ये जो है पावर पॉइंट में थोड़ा सा आ जाता है ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ बास्ट टाइम पावर पॉइंट उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो चलें मैं दोबारा किया इसको शेयर ओके okay, तो रिलेटिव एक्सट्रीमा में अब जो सेकंड def, डेफिनेशन है वो रिलेटिव मिनिमा उसी तरह ऑपरिंग डबल लिया है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये पॉइंट सी लिया है उससे लेस पॉइंट ग्रेटर पॉइंट और यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमा में क्या था एफ ऑफ सी इज ग्रेटर दैन ग्रेटर का मतलब था मैक्सिमा और यहाँ पे लेस देन होगा ये मिनिमा रिलेटिव मिनिमा क्या लाएगा एफ ऑफ सी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन देन दिट इज कॉल्ड रिलेटिव मिनिमा ठीक है ग्राफ से भी आपको समझा दी है और आपको बाय वर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी बता दी है देखें यहां तक कोई मसला सर आगे चलते हैं बोथ रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम आर कॉल्ड जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी कि रेलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम को इन हैं ये जो है रेलेटिव एक्सट्रीमा का वर्ड करते हैं ये वो लैंग्वेज है जो आपको पता होनी चाहिए जो पेपर में यूज करता है ये ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है या अगर वो बात कर रहा है लेक्चर में तो किस टॉपिक uh, पे बात हो रही है कौन सा डेफिनेशन है जो आपके सामने है अक्सर एक वर्ड आप यहाँ पे सुन रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट को थोड़ा सा और मैं डीपली लेके चलता हूँ और वो है जी पेज नंबर वन वन टेन है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टॉपिंग कर रहा हूँ एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम यह पॉइंट ऑफ

या तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाए या फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट या ये एग्जिस्ट ना करे देन द नंबर सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन यानी कि आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लें उसमें ये पॉइंट सी पुट करके देखें आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाए या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू एट दैट पॉइंट ठीक है जी नोट there are functions which have extrema maximum minima at the points where their uh, derivative does not exist so ya to iska derivative exist nahi karta ya first derivative equal to kya aa jata zero hai koi mushkil baat nahi chale ji aage chalte hain ये सारी definition बेटा याद भी कीजिएगा paper में lahore board है तो definition आ सकती हैं normally अक्सर बच्चे comment में भी कहते हैं एवरेज जो है दो डेफिनेशन वो देता है पेपर में अगर आ, आ, एक बैलेंस पेपर वो अभी तक जो सेट करता है पेज नंबर वन टेन पे आ जाए स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है दो क्रिटिकल पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इन विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो वहाँ पे दो कंडीशन थी क्रिटिकल में फर्स्ट डाइवेटिव इक्वल टू जीरो या नॉट डिफाइन इसमें यह कि अगर फर्स्ट डाइवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं अक्सर ये कहते हैं ये क्रिटिकल ऑफ स्टेशनरी पॉइंट में ये चीज़ तो कॉमन आ गई ना कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो वो ये वही बात कर रहा है क्वेश्चन और क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट आर सेम स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट बिकॉज इन बोथ कंडीशन यू हैव योर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो और जब हम पॉइंट पुट करेंगे पॉइंट सी तो वहाँ पे ये जीरो आ रहा है

अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता था क्रिटिकल पॉइंट मे और मे डॉट बी स्टेशनरी पॉइंट तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेशनरी पॉइंट भी हो क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज इसमें दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट डेट पॉइंट डज नॉट यहां पे ये कि उसकी वैल्यू जेस नहीं कर रही है। सही है डिफाइन नहीं है चलें जी ये नोट भी देर में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जी नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है टर्निंग पॉइंट डेफिनेशन देखिएगा स्टेशनरी और स्टेशनरी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहते हैं या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा टर्निंग पॉइंट व्हाट इज द अ टर्निंग ऑफ द ग्राफ वेयर ग्राफ चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और राइजिंग टू फॉलोइंग डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जहां से वो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आ रहा है या डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ इसको हम क्या नाम दे रहे हैं टर्निंग पॉइंट का नाम दे रहे हैं कोई मुश्किल बात नहीं नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट है देखें तो नेक्स्ट आपके पास है जी स्टेशनरी पॉइंट को हम लेके चल रहे थे इसमें पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस कनकेविटी अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा है एक्चुअली इसी चीज को एक और फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन क्या होता है आर द पॉइंट्स वेर द फंक्शन चेंजेस कनकेविटी अब कनकेविटी क्या है फ्रॉम बींग अप टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपर्ड कनकेविटी क्या है देर कैन बी फाउंड दे कैन बी फाउंड बाई कंडरिंग वेर द सेकंड चेंजेज ए साइन कनकेविटी रिलेट्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन डेरिवेटिव ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन अ फंक्शन एफ इज कनके डेरिवेटिव एफ डैश इंक्रीजिंग और अगर ये एफ डैश डाउन होगा तो ये डिक्रीज करेगा देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ कनकेविटी और आपको समझ आ जाएगी ये देखेंगी ये एक आपके पास क्या हुआ ये आपके पास क्या आ रहा है कनकेविटी चेंज इस पॉइंट पर कनकेविटी चेंज हो रही है देखें यहाँ से अपवर्ड जा रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है डाउनवर्ड जा रहा है और ये यहां पे, पर ऑब्वियस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव यह हम आगे जाके सेकंड डेवेटिव टेस्ट भी पढ़ेंगे अगर ये ग्रेटर देन होगा तो ये मिनिमम होगा और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन होगा तो फंक्शन क्या होगा एट दैट पॉइंट मैक्सिमम होगा कोई मुश्किल बात नहीं तो ये कंकेविटी से भी एक कॉन्सेप्ट था वो भी अब आप, आपको एक्सप्लेन कर दी है चले जी आगे देखते हैं फर्स्ट डेवेटिव एक्चुअली हम इसको चेक करने के लिए दो टेस्ट सीखेंगे फर्स्ट फर्स्टिव और सेकेंडिव पहले जितनी भी थी वो डेफिनेशन थी जो कि आपको हेल्पफुल होंगी ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं बट यहां पे अब टेस्ट आ गए फर्स्ट टेस्ट और सेकेंडिव टेस्ट तो हम दोनों ही सीखेंगे नॉर्मली सेकेंडेटिव से क्वेश्चन किए जाते हैं बट हम दोनों सीखेंगे फर्स्ट डेविटिव से इसमें रिलेटिव मैक्सिमम की डेफिनेशन लेट एफ बी ए डिफेंशिबल फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सी सी के नेबरहुड पे हम ये फंक्शन डिफेंशबल है और अगर वो कह रहा है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू चेंज मीन एफ डैश ऑफ सी चेंजेज फ्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो फंक्शन हम कहेंगे रिलेटिव मैक्म और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मिनिमम ठीक है ये तो पेज नंबर वन टेन पर डेफिनेशन है और होपफुली आपको थॉरली अभी ये समझ नहीं आएगी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ फिर ये बताता हूँ ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है ये सिर्फ थ्रेटिकल काम है बुक से जरा हट के हम कर रहे हैं तौर है. पर और ये अभी हम पढ़ चुके जी मैक्सिमा मिनिमा की आपके पास फंक्शन है जी आपको कहता है के लिए, so, ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का जो मैंने तो एफ ओफ एक्सलू थ्री एक्स स्क्म फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मीन आपने रिलेटिव एक चेक करना है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें तो क्या होगा जी सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर यूज करेंगे थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर फिर पार रूल आ जाएगा पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव बेस चूंकि एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव डिवन होता है सो दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया सिक्स एक्स देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन अब क्या करेंगे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू रखना है स्टेशनरी पॉइंट आप निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो यहां तक कोई मसला आपने क्या किया जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली है एक्चुअली ये एक्स की वैल्यू पे नेबरहुड की ये जो बात कर रहा था ना नेबरहुड ऑफ सी सी यहां पे है जीरो सी का हम रूट देखना चाह आएंगे अगर बिफोर की हम बात कर रहे हैं, तो बुक वाला जो यूज कर रहा है वो है एक्स इक्वल टू जीरो तो ये नंबर हो गया इसमें से माइनस का है एप्सिलॉन एक बहुत छोटा सा नंबर होगा ये कुछ भी हो सकता है पॉइंट वन पॉइंट जीरो जीरो जनरल फॉर्म उसने दी हुई है जीरो माइनस एप्सुलन अच्छा यहाँ पे मैं आओ और आपको समझाने के लिए एक नंबर रख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए पेपर में आप एप्सुलन ही लिखें बट ये और इसको मैं थॉरोली एक्सप्लेन करने के लिए देखें जीरो में से कोई भी नंबर आप सब्टेक्ट करेंगे तो इस जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे ना मैं फॉर एक्जाम्पल वो कह रहा हूँ नंबर पॉइंट टू है मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए तो नंबर है जी पॉइंट टू तो पॉइंट टू को जब मैं इसमें क्या कह रहा हूँ सब्टेक्ट कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है मीन पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस पॉइंट टू क्या होता है नेगेटिव पॉइंट टू तो हमें इसको किस में पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर वन वन के दर है जी ये फर्स्ट डायबेटिव में पुट कर रहा हूँ कि नेबर नेबरवुड की जो वैल्यू है इक्वेशन वन में पुट करें मीन फर्स्ट डायबेटिव में पुट करें तो एफ डैश ऑफ माइनस पॉइंट टू क्या आ जाएगा सिक्स इंटू नेगेटिव पॉइंट टू और यू कैन से दैट नेगेटिव वन पॉइंट टू तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ये जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव खैर है तो नेगेटिव इसको संभाल के रखें ये हमने पढ़ा था ये अभी किया है बिफोर एक्स इज इक्वल टू जीरो अब दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे रूट ऑफ जीरो आ जाएगा जीरो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एप्सिलॉन यानी कि इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं जो चेंज ले रहा हूं जीरो पॉइंट टू है मीन एक्स इज इक्वल टू पॉइंट टू दिसम पुट करेंगे और करना किस में चुके फर्स्ट डेरिवेटिव ही कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने इसको पुट करना है पुट कह रहे हैं जी फर्स्ट डायवेटिव में तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है इज ग्रेटर देन तो अगर आप देखें बिफोर आ रहा आंसर नेगेटिव आफ्टर आ रहा पॉजिटिव तो अब ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो अगर आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंजिंग हो रही है तो हम फंक्शन कहेंगे कि ये रिलेटिव मिनिमम है बस ये है जी फर्स्ट डायवेटिव टेस्ट को मुश्किल बात मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ पे आपको नंबर रखने की ज़रूरत नहीं आप सिंपल एप्सोन लिखिएगा आगे मैं करवाऊंगा अभी ये क्वेश्चन इसका और एक एग्जांपल भी अगर आप जो मेरी पुरानी वीडियो है स्मार्ट सिलेबस की उसमें उस एग्जांपल्स भी करवाई हुई हैं फर्स्ट डायबेटिव से आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं पहले देखिएगा जी यहाँ तक ओके ठीक है और हमेशा पहले क्या करना है लेफ्ट वाला नेगेटिव वाला नंबर रखना है फिर पॉजिटिव वाला और देखना है कि हो सकता है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह चेंजिंग होती तो फिर रिलेटिव मैक्मम होना समझ आ गई जी बट फर्स्ट डायबिव टैक्स बड़ा सिंपल सा काम था फंक्शन है उसका फर्स्ट डेवेटिव लें इक्वल टू जीरो रखें एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसके दो नेबरहुड पॉइंट पे चेक कर लें उसको याद रहेगा जी याद करना भी है आपने ये ऑब्जेक्टिव ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है फर्स्ट डाइवेटिव टेस्ट का अच्छा जी ये तो हो गया फर्स्ट डाइवेटिव रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए हम इसको सेकेंड डेवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं ट्रिपल वन पेज भी आपको यह मिल जाएगा ज्यादातर हम क्वेश्चन में यही यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता या टेस्ट फेल भी आप कह सकते हैं तो इसलिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आना चाहिए बाकी आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं अच्छा जी रिलेटिव मैक्सिमा के लिए क्या होगा कि फंक्शन डिफेंशिबल है चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है आप दो, दो दफ़ा डिव निकालें और अगर सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट लेस देन जीरो होगा तो ये उलर्ट होता है आपको याद होगा फर्स्ट uh, वहां पे हमने किया था कि फर्स्ट डावेटिव ग्रेटर दैन जीरो था इंक्रीजिंग था लेस दैन जीरो तो डिक्रीजिंग ये लेस दैन जीरो सेकेंड डावेटिव है तो ये रिलेटिव मिनिमा आ जाएगा मैक्सिमा uh, आ जाएगा और अगर ये ग्रेटर दैन जीरो आ जाएगा ये उलट होता है तो ये ग्रेटर मतलब पॉजिटिव बट रिलेटिव क्या आ जाएगा मिनिमा आ जाएगा तो ये ले ये आ गया, आ गया आपके पास सेकेंड डिवेटिव टेस्ट आ गया सही है जी तो ये दोनों आपने देर में रखने हैं देख लें क्योंकि अब ज्यादातर हम क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जरा आगे देखिएगा इसी क्वेश्चन को जो अभी हम कर रहे थे जो एग्जांपल ली थी इसी को मैं सेकंड डेरिवेटिव से भी आपको चेक करके बता रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा मीन डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों को एक्स के लिहाज से डिफेंशिएट कर दें थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा पार रूल अप्लाई करें पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें थ्री टूज आर आ जाएगा सिक्स देखें यहाँ तक मसला ये तो वही काम है जो फर्स्ट डायबेटिव में भी किया था अब करना सिर्फ ये अच्छा चले फर्स्ट डाइवेटिव इक्वल टू जीरो रखे स्टेशनिंग पॉइंट भी वही निकालने डिफरेंस कहाँ पर आया है कि आपको चूंकि सेकेंड डावेटिव है तो आपको सेकेंड डावेटिव भी निकालना पड़ेगा बस ये डिफरेंस है तो हम इसका सेकेंड डावेटिव निकालते हैं मीन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्ल टू सिक्स एक्स मीन इक्वेशन वन को अगेन हम क्या कहते हैं डिफेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स So, applying on both side, तो क्या F double dash of X और X का क्या आ आ जाएगा और का नंबर तक देख लें कोई confusion. Okay. अब सिर्फ करना ये है अब इसमें नेबरवुड वाला तो मसला ही नहीं है कि जो आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना इसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना बस सिंपल सी बात है तो करें जी

जब हम कर रहे थे फर्स्ट डेवेटिव टेस्ट से भी यही आंसर आया और सेकेंड डेवेटिव टेस्ट से भी बेटा यही आंसर आ रहा है ठीक है जी तो ये एक छोटी सी कंपोजिंग मिस्टेक थी ये मैं सेट कर रहा हूँ ठीक है तो आपने क्या किया है तरीका वही है फर्स्ट डायबेटिव के बाद सेकंड डायबेटिव निकाल लिया है फर्स्ट से इक्वल टू जीरो के जो एक्स की वैल्यू बेटा निकाली थी उसको आपने इधर पुट किया है और जैसे ही आपने पुट किया है ग्रेटर देन जीरो आ रहा मीन फंक्शन मिनिमम आ रहा है सो एक्स एज ए रिलेटिव मिनिम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो दो मैथड थे नी फर्स्ट डायबेटिव टेस्ट सेकंड ऑलमोस्ट सब में लग जाता है सेकेंड डायबेटिव टेस्ट कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देता मीन टेस्ट फेल होता है तो हम फिर फर्स्ट डेवेटिव पे जाते हैं सेकंड डेवेटिव टेस्ट ज्यादा ईजी है इसलिए आप देखें मोस्टली की बुक वगैरह या इस तरह उन्होंने यही मेथड किया तो हम भी कोशिश करेंगे ज्यादा सेकंड डेवेटिव टेस्ट से ही रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करने की कोशिश करेंगे ओके okay जी uh, चलते हैं जी सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द गिवन फंक्शन डिफाइंड है दीम वैल्यू हमें चेक करनी है जी एफ ऑफ एक्स एज इडो वन माइनस एक्स क्यू आप इसमें दोनों आ, टेस्ट चेक कर लगा सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव और चेक करते हैं आई थिंक सो इसमें सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा ये वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगी चलें जी मैं अभी आ, क्या करता हूँ एफ ओफ एक्स है आपके पास फर्स्ट डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से डिफेंशिएट करें फर्स्ट डेरिवेटिव लें जी वन का डेरिवेटिव आपके पास जीरो आ जाएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में कौन सा रूल लगेगा पार रूल तो क्या होगा पार को नीचे उतारेंगे पार में से माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव यही बात है जी अच्छा जी तो एक्स का डेरिवेटिव वन है तो एक्चुअली ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है माइनस थ्री एक्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन इक्वेशन कोई मुश्किल बात अभी आ, उसमें चलें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हैं ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे माइनस थ्री एक्स इज ईक्ल टू जीरो माइनस थ्री उधर जाकर जीरो से डिवाइड होगा जीरो ही हो जाएगा एक्स स्क्वेयर है अंडर रूट लेंगे तो जीरो ही आ रहा है अभी मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बता रहा हूँ मैंने बताया ना नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन आपके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही होने शायद एक से दो पार्ट है जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है तो अब इसमें सेकंड डेवेटिव टैक्स क्यों नहीं लग रहा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लिए लिख रहा हूँ जब आप इसका सेकंड डेवेटिव की बात करेंगे तो एक और डेवेटिव लेना पड़ेगा फर्स्ट डेवेटिव फर्स्ट डेवेटिव क्या था आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर सो डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ एक्स के लिहाज से डिफेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर है पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें और बेस का डेवेटिव एक्स का डेरिवेटिव बेटा किसके इक्वल होता है ये वन के होता है सो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा एक्स अब क्या करते होते थे ये एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखें लेकिन जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो आप देखें आंसर इसका क्या आ रहा है जीरो अब हमने सेकंड डेरिवेटिव में दो कंडीशन पढ़ी थी आइदर ग्रेटर देन या लेस देन जीरो सेकंड डेरिवेटिव में तो हमने इक्वल की कंडीशन ही नहीं पड़ी थी जब इक्वल की कंडीशन नहीं पड़ी थी इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये गिव्स नो इन्फॉर्मेशन यहां पे ये टेस्ट फेल हो रहा है इसलिए हम इस क्वेश्चन पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते समझ आइए ये सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं ये जो येलो वाला काम है ये सिर्फ समझाने के लिए किया पेपर में करने की जरूरत नहीं है ओके जी तो अब देखते हैं जी बिफोर एक्स एक्सिक्यूटिव तो जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीरो माइनस एप्सिलॉन एफ्सुल की जगह आप नंबर नहीं रखना वो आपको एग्जांपल में सिर्फ समझाने के लिए बताया था आप जनरली एप्सिलॉन पुट करेंगे क्योंकि अगर आप एक नंबर रखेंगे तो स्पेसिफिकली एक नंबर तक ये कंडीशन uh, नहीं है ये जनरल है सो so, आप इक्वेशन टू में जहां जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो माइनस एफ्सुलन इधर भी रख लें इधर भी रख लें तो ये एफ्सुलन नेगेटिव एप्सुलन का स्क्वायर पॉजिटिव एप्सुलन स्क्वायर हो जाएगा लेकिन एप्सुलन कोई भी नंबर आप ले सकते हैं लेकिन जब आप उसको नेगेटिव थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा लेस देन लेस देन जीरो का मतलब है आंसर नेगेटिव आ रहा है देखो यहां तक मुश्किल बात अभी हम एग्जाम्पल में बड़ा थॉरोली ये किया था अब जाते हैं जी आफ्टर एक्सडो जीरो जीरो आफ्टर में क्या आ जाएगा जीरो प्लस एफ्सुलन तो एक्स की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे जीरो प्लस एफ्सुलन सो तो दोनों साइड पे ये पुट कर दें एप्सिलॉन का क्या आ जाएगा स्क्वायर अगेन जब इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर नेगेटिव आ गया मीन लेस देन जीरो अच्छा या तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव से नेगेटिव चेंजिंग का या नेगेटिव से पॉजिटिव अब ये आ गई तीसरी कंडीशन नेगेटिव से नेगेटिव है या दोनों भी पॉजिटिव आ जाए तो इस सूरत में ये क्या होगा डस नॉट चेंज इट्स साइन सो हम क्या कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा ठीक है तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगी Put this, uh, और किस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू पुट कर दें किस में equation, equation में. So, पास या भी कह देते हैं जीरो तो है? रखेंगे तो so, एक्चुअली जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है वो जीरो और वन है तो so, आपके पास क्वारिनेट क्या आ जाएंगे जीरो वन इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन तो जीरो वन क्या आ जाएगा बेटा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा क्योंकि इसमें सेकेंड डायबेटिव टेस्ट वैसे ही इसमें फेल हो गया था और फर्स्ट डायबेटिव टेस्ट में दोनों साइन सेम रहे हैं चेंजिंग की अगर हम बात करें नेगेटिव से नेगेटिव ही है सो so ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा तो ये एक ही पार्ट था जो कि इस टाइप का था और पहला पार्ट ही उसने बड़ा डिफरेंट सा दिया हुआ था मैंने बेटा कोशिश की है थॉरली इसको एक्सप्लेन करने की होपफुली आप इसको अपने ओन पे कर सकेंगे बाद में ऑब्वियस बात है चलें जी यहाँ तक ओके चलें आगे

सो राइट साइड पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर है रूल लग जाएगा एक्स का डेवेटिव आप लैदा ले लेंगे जो कि वन आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का डेवेटिव टू टू का डेवेटिव जीरो रूल में क्या होता था पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेवेटिव तो ये आ जाएगा टू एक्स इंटू वन और ये इसकी जगह वन आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैसे जीरो हो रहा है सो जी फर्स्ट डेवेटिव आ गया आपके पास ओके okay. एक स्टेप और मिस uh, है मेरे ख्याल ये बाद में एनिमेशन में आ जाएगा खैर अगेन डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा इसको एक्स के लिए आरोप डिफेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा एफ डैश डबल डैश एक्स का डिव टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल सो दिस मस्ट भी इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू टू तो चूके से तो हमने पहले क्या किया है दोनों डिव निकाली है अब क्या करेंगे फर्स्ट डायवेटिव को इक्वल टू तो जीरो रखें तो फर्स्ट वहां से एक्चुअली हम स्टेशनरी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं सो फर्स्ट डेरिवेटिव था टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा टू मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये एक्स की वैल्यू किसमें पुट करते हैं मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू निकाली है और इसको किसमें पुट करेंगे इक्वेजन थ्री या सेकंड डेरिवेटिव में अब सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप गौर करें इधर एक्स था ही नहीं इधर था तो वन बाई टू आ गया अब राइट साइड पे था ही नहीं है तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया है और टू प्लस आ रहा है मीन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का मतलब है मिनिमम ओलर्ट होता था सो द गिवन फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम एट ओवर है मुश्किल बात अब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने निकालनी है ये एक्स की वैल्यू किस में पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में भी ये इन वाई की वैल्यू भी हम निकाल रहे होते हैं ये जी एक एनिमेशन मिसिंग थी जो आपको कह रहा था होपफुली ये अब आई गई है ठीक है अच्छा जी तो x की वैल्यू 1/2 आप पुट करेंगे किसमें इक्वेशन नंबर वन में ओके okay जी अब क्या कहते हैं ये x की वैल्यू हमने पुट करनी है गिवन फंक्शन में मीन ओरिजिनल इक्वेशंस f है रिलेटिव मिनिमम एट x 1/2 सो पुट इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्या थी जो गिवन इक्वेशन थी और वो आपके पास बेटा क्या आती है x2 x, minus x minus 2 सो so पुट x 1/2 इन इक्वेशन 1 तो x पे एक्सपेर टू इस एक टू और ये नेगेटिव टू वन ओवर टू का स्क्वायर क्या होगा वन ओवर फोर ये क्या आ रहा है माइनस वन ओवर टू और टू को नेगेटिव टू को हम क्या लिख रहे हैं टू बाई वन हर एक के नीचे वन होता है तो ये टू ओवर वन आ गया है एलसीएम ले लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा ये फोर ये वन माइनस टू और टू फोर जार एट तो ये आपके पास फाइनली क्या आ रहा है एट टू टेन वन नाइन माइनस नाइन ओवर फोर सो फंक्शन तो हमें पता चल गया था रिलेटिव मिनिमम है और किस पॉइंट पे है मीन एफ ऑफ वन ओवर टू के आ आगे माइनस नाइन ओवर फोर पैटर्न से आपने सारे क्वेश्चन आगे करने हैं अगेन अब अब आपका काम शुरू हो गया है आपने अब खुद अटैम्प्ट करने हैं जो जो क्वेश्चन मैं कहता जाऊंगा वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं देखो देखोगे मुश्किल बात यानी कि सेकेंड डेवेटिव टेस्ट निकालने के बाद एक्स की वैल्यू ओरिजिनल में भी रख दी है सेकेंड डावेटर में एक दफ़ा सेकेंड डाइवेटर में रखते हैं और एक दफ़ा फिर ओरिजिनल में भी इसको रखना सिंपल सा मेथड है जी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होंगे मजे के होंगे नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन दिस टाइम एफ ऑफ एक्स इज इगो टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू सो स्टॉप दिस वीडियो डू इट योर सेल्फ एंड देन प्ले दिस वीडियो एंड उसमें आप देखें जी मेरे साथ टैली करके आपका आंसर ठीक है कि नहीं करिएगा जी कर ओके okay जी मैं क्यों आ रहा हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है चूंकि सेकंड डेरिवेटिव स्टेप से ही हम प्रेफर कर रहे हैं सो so, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं सो डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से हम इसको डिफेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स है फाइव है पार रूल बेटा लगा दिया थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ होपफुली आप इसको खुद स्टेप uh, पूरे करेंगे एक्स स्क्वायर है पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव फिर एक्स है एक्स का डेरिवेटिव वन और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो

सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू टेन गया। अब क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो जो फर्स्ट डेवेटिव इक्वेशन टू की वो बात कर रहा है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस सिक्स तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस सिक्स की बात करें तो सिक्स नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा टेन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो सिक्स बाय टेन आपके पास क्या आ जाएगा थ्री ओवर फाइव एक्स की वैल्यू आ गई है जी फर्स्ट डेविटिव इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू आ गई है इसको आप किस में करेंगे सेकेंड डेविटिव में पुट करेंगे सो पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव इन इक्वेशन थ्री मीन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें अगेन राइट साइड पे एक्स आई नहीं है तो पुट uh, कहां पे करेंगे खैर 10 ही आएगा 10 मीन ग्रेटर देन जीरो है इट मींस रिलेटिव मिनिमा सो द गिवन फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू थ्री ओवर फाइव देखिएगा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन अब आप क्या करेंगे इस x की वैल्यू को हमने देखना कहां पे ये रिलेटिव मिनिमा के पॉइंट पे क्या करते होते थे x की वैल्यू को बेटा पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर में में मीन पुट करेंगे सो इन इक्वेशन चले जी तो पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करना है इसको तो क्या आगेगा फाइव इंटू थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर स्क्शन एंड टू थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी नाइन फोर दार फोर्टी फाइव ये सॉरी फाइव ट्वेंटी फाइव से कट के फाइव रह गया है एटीन ओवर फाइव और टू को मैंने लिख लिया है टू ओवर वन ताकि बच्चे एलसीएम लेते हुए आसानी हो और सिंप्लीफाई कर लें तो ये फाइव आ जाएगा नाइन माइनस एटीन प्लस टेन ये आ रहा है वन ओवर फाइव इसका मतलब क्या हुआ फंक्शन रिलेटेड मैंने वहां था एक्सो थ्री ओवर फाइव एंड एफ ऑफ थ्री ओवर फाइव इज इक्वल टू वन ओवर फाइव अब ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है कमेंट्स में बताइएगा होपफुली आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं ओके okay जी क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट फोर की तरफ चलते हैं। ये हमने में भी किया हुआ था अगेन यू हैव टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है फॉर द फंक्शन एफ ओ इज टू थ्री एक्स सो so, हम सेकेंड डेविटिव टेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे सो टेक टेको फैक्सर से दिस इज योर दिसर नंबर वन सो डिफेंशियट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से बेटा इसको क्या करेंगे डिफेंशिएट करेंगे मीन अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड एफ ओफेक्स बिकम एफ डैश ऑफ एक्स एक्स स्क्वायेर पर हम क्या कौन, कौन सा रूल यूज होगा थ्री कॉन्स्टेंट ऑबियस बाद बाहर आ गया है सो एक्स स्क्वायर पे आ जाएगा पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन के इक्वल होता है सो दिस विल बिकम टू एक्स थ्री इंटू टू के आ जाएगा सिक्स एक्स सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया सिक्स एक्स नाउ चलें फर्स्ट डेवेटिव रखें एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पुट एफ डेवेटिव जीरो मीन सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो सिक्स बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जीरो विकस जीरो ही आ जाएगा अब इस चूंकि हम सेकंड डेवेटिव की बात कर रहे हैं तो इसका सेकंड डेवेटिव टेस्ट करेंगे सो so, आपके पास ये फर्स्ट डेवेटिव आया अगेन डिफेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से दोबारा डिफेंशिएट कर लें सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और एक्स का डवेटिव क्या आ जाएगा ये वन के इक्वल आ जाएगा सो so, वो सिक्स इन टू वन केस के इक्वल आ रहा है सिक्स के इसका मतलब सेकेंड डेवेटिव जो आ रहा है ये आ, आपके पास आ चुका है अब क्या करते होते थे हम x की वैल्यू जो आ गई हुई है इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे सो so, x की इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन थ्री में इसमें <coughs> सॉरी इसमें x की आप इधर तो जीरो है इधर x आई नहीं है तो ये सिक्स आ जाएगा सो प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो सो द गिवन फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमा सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज तो मिनिमा जी और इसको अब चेक करेंगे किस पॉइंट पे है वैल्यू वैल्यू ऑफ़ इक्वल टू इक्वेशन में ये की रखेंगे तो क्या आ 3 0 का स्क्वायर सो सो यू कैन से रिलेटिव यहां तक तो कन्फ्यूजन और कितने दोस्तों का ये ठीक है काइंडली कमेंट में बताइएगा पार्ट नंबर लिख रही है करें क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर है और ज़्यादा कमेंट करें मुझे कोई टेंशन नहीं है तो टू का पार्ट फोर ये आपका गया ओके जी यहाँ तक चले जी आगे चलते हैं ओके जी टू का पार्ट फाइव कह रहे हैं अगेन यू हैव टू फाइंड एक्सट्रीमा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ये भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं अपने ओन पे कर सकते हैं काइंडली वीडियो को स्टॉप कीजिएगा पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरे साथ टैली कीजिए करिएगा जी ओके जी होपफुली आपने कर लिया होगा मैं भी कर रहा हूं मेरे साथ टैली कर लीजिएगा एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू क्या थ्री एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस फाइव सो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिए डिफेंशिएट करेंगे आ रहा, so रहा दिस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स स्क्र का डेवेटिव पावर रूल पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस एक्स का डेवेटिव ये नेगेटिव फोर एज एट इज एक्स का डेवेटिव और कॉन्स्टेंट फाइव का डेवेटिव अब एक्स का डेवेटिव वन होता है कांस्टेंट का डेवेटिव क्या होता है जीरो होता है सो दिस विल बिकम थ्री इंटू टू इंटू एक्स इंटू वन माइनस फोर इंटू वन और कॉन्सटेंट का डेवेटिव जीरो और फर्दर सिंप्लीफाइंग तो आ गए अब हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरह सो अगेन डिफेंशिएटिंग के लिहाज से बेटा इसको दोबारा डिफेंशियट करें एफ डैश आपके पास क्या आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट का derivative. एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है के so, zero, so, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव भी आ गया भी आ गया यहां तक कोई कंफ्यूजन अब चलते हैं आगे पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं सो फर्स्ट टू जीरो रखते हैं uh, ये आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव फोर बेटा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई या इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो फोर ओवर सिक्स क्या आ जाएगा टू बाई थ्री तो हम क्या करेंगे चूंकि में, में राइट साइड पे एक्स ही है नहीं है तो ये सिक्स ही रहेगा और अगर ये सिक्स ही है तो ये ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो का मतलब फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मिनिमम तो मुश्किल बात सो गिवन फंक्शन मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री तक अब हम क्या कहते हैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं टू बाई थ्री इन इक्वेशन वन या गिवन इक्वेशन कह सकते हैं जी तो आपके पास x इज इक्वल टू टू बाई थ्री दोनों साइड पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू टू बाई थ्री का स्क्वायर फोर इंटू टू बाई थ्री प्लस फाइव तो बेटा ये टू बाई थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर है और थ्री का स्क्वायर नाइन है तो नाइन तो ये थ्री से कट जाएगा तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री माइनस एट बाई थ्री फाइव को मैंने फाइव और वन लिख ली है ताकि एलसीएम लेते हुए आसानी हो और सिंपलीफाई कर लें तो ये फोर माइनस एट प्लस फिफ्टीन ये अलेवन रह जाएगा सो अलेवन ओवर थ्री आ गया सो गिवन फंक्शन एजेलेटिव मिनिमा एड एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एन एफ ऑफ टू बाई थ्री इज इक्वल टू अलेवन ओवर थ्री जी बताइएगा कमेंट्स में कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है फुली, काफी दोस्तों का ठीक होगा जो ऑनेस्टली साथ कर रहे हैं जो इसको वेटेज देते हैं लेक्चर को साथ साथ करने में इंशाल्लाह उनको मजा भी आ रहा होगा ये एक्सरसाइज करने में चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ वेल डन जी जिनके ठीक होते जा रहे हैं जबरदस्त चलें जी आगे चलते हैं, आ, है, 36 three, थोड़ा सा क्वेश्चन बट कोशिश करते हैं करने की अपने उन पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करके करने की कोशिश करें ओके okay जी मैं करवा रहा हूं एफओ फैक्स आपके पास है टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस थ्री फोर्सिव सो डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिए बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दें

तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायेर माइनस फोर एक्स माइनस थर्टी सिक्स और मोस्ट सिंपलीफाइंग टू मल्टीप्लाई हो रहा होता जाके डिवाइड हो जाएगा जरा टू कॉमन निकाल था वो टू उधर जाके वैसे ही ख़त्म हो गया है अब आप इसके मिड टर्म ब्रेक कर लें या फैक्टर बना लें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ जो सबसे ईजी है और थोड़ा सा वो आ जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो थ्री है बी माइनस टू है और सी माइनस एटीन है ठीक है तो मैंने ए बी और सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी और सिम्प्लीफाई कर लें तो ये देखें जी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव टू आ जाएगा नेगेटिव टू का स्क्वायर प्लस फोर है एटीन थ्री और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टू वन सिक्स आ रहा है 2, और नीचे थ्री टू सिक्स सिंप्लीफाई करते जाएंगे एंड टू सिक्सटी प्लस फोर आ रहा है टू ट्वेंटी और सिम्प्लीफाई करें ये फोर पे डिवाइड हो रहा है बिल्कुल फोर इंटू फिफ्टी फाइव लिख लिया हमने टू ट्वेंटी को एक्चुअली फोर इसलिए लिखा है कि फोर का अंडर रूट क्या होता है टू और वो टू बाहर आ जाएगा इसका फायदा ये हुआ है न्योमिनेटर में टू कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा और टू डिवाइडेड बाई सिक्स क्या आ जाएगा वन प्लस माइनस ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा सो वन प्लस माइनस फिफ्टी फाइव ओवर थ्री तो दो वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक सीमा को मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें ठीक है जी थोड़ा सा मैंने बताया था क्वेश्चन लेंथी है लेकिन अभी ऑब्वियस बात हम कोशिश करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ तक देखो ओके चलिए जी आगे देखते हैं दो वैल्यूज हैं और उस बाद वन बाय वन करके हम इसको चेक करते हैं एक्चुअली इसको सेकंड डेवेटर में हमने रखना है सो so, पहले हम केस जो डेसिस कर रहे हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू था जी प्लस वाला वन प्लस फिफ्टी फाइव अंडर रूट ओवर थ्री तो आप इसमें पुट करके देखेंगे ट्वेल्व इनटू दिस माइनस फोर थ्री फोर दा तो ये आ जाएगा फोर फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर इंटू फोर एंड फोर इंटू फिफ्टी फाइव ये फोर फोर से कैंसिल हो रहा है तो आंसर एक्चुअली क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव का मतलब रिलेटिव मिनिमा और इसको साथ ही हम पुट कर देते हैं इक्वेशन गिवन इक्वेशन या इक्वेजन वन में भी ताकि किस पॉइंट पे मिनिमा है वो भी देख लें सो पुट एक्स इज इकल टू वन प्लस एंड एक वन अब यहाँ पे इक्वेशन वन ये हमने पढ़ी थी यहाँ पे बेटा कैलकुलेटर को काम मैं यूज कर रहा हूँ पॉइंट्स में आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बुक वाला आंसर लाना है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा इसके फार्मूलाज ओपन करने यहाँ पे बेटा क्यूब का फार्मूला है यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला यहाँ था क्यूब का फार्मूला क्या होता था ये मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ वैसे आप राइट साइड पे लिखिएगा ए प्लस बी का क्यूब क्या होता था ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू तो बेटा ए इसमें या फिर इसमें स्क्वायर का भी चलें सेंस करके लिख रही है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर रहे हैं तो ये वन का क्यू थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी स्क्तर बी क्यू इसी तरह इंटू दिस एंड्रीज आर थर्टी सिक्स और ट्वेल्व नेगेटिव ट्वेल्व को वन से मल्टीप्लाई करेंगे से करेंगे तो ये आ रहा है प्लस थ्री और सिंप्लीफाई कर लें तो टू ओवर ट्वेंटी सेवन ये आ रहा है थोड़ा सा कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है इस क्यूब को मैंने लिख दिया है स्क्वायर एन दे स्क्वायर जब करेंगे तो एक हंड्रोड खत्म हो जाएगा इसका कलर लैंग्वेज का फायदा ये हुआ ये फिफ्टी फाइव और ये थ्री है फिफ्टी फाइव में से थ्री ऐड करेंगे तो आपके पास ये एडिशन में आ जाएगा और आ, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके पास वन सिक्सटी फाइव और वन आ रहा है और इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया होपफुली आप इसको कर सकेंगे कलर लेंगे मैंने यूज़ की है अब तीनों ये पर्पल कलर हैं इनका एल्सीयम ले लें मेन इनको इकट्ठा कर लें ठीक है और इनमें एक्चुअली फिफ्टी फाइव हंडरवुड कॉमन आ रहा है अब अब एलसीयम ले लेंगे तो आपके पास आ रहा है ट्वेंटी सेवन एलसीयम आ रहा है फर्दर सिंप्लीफाई करें इसमें थोड़ा सा आपको मेंटली मैथ ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये एक्चुअली क्या आया है एफ ओ वन प्लस हंडरवुड ट्वेंटी फिफ्टी फाइव ओवर थ्री ये आंसर आ रहा है कोई मुश्किल बात नहीं

Simplify कर लें अगेन सेम पैटर्न पे 4, 3, 2, 12, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है 4, 4 से कैंसिल हो रहा है तो आंसर मतलब इसको ओरिजिनल फंक्शन में भी पुट कर देंट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस फिफ्टी फाइव थ्री एन गेवन और यू कैन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में रखें तो क्या आ रहा है स्क्वायर का तो क्यूब का सेंस करके फार्मूला दिस टाइम नेगेटिव का है तो ए क्यूब नेगेटिव थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब और स्क्वायर का नेगेटिव में आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर सो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ये देखिएगा क्यूब का भी आ गया स्क्वायर का भी आ गया और सिंप्लीफाई कर लें तो ये फिफ्टी फाइव हंड्रेड पर कुछ सेम मैंने स्टेप लिखे हैं सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आ रहा है चेंजिंग आ रही है और सिंप्लीफाई कर लें टू को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है सेम काम पर्पल कलर में फिफ्टी फाइव हंड्रेड कॉमन आ रहा है एल्शियम ले लें पर्पल वाले का जैसे एल्शियम लेंगे ये ट्वेंटी सेवन आ रहा है और सिंपलीफाई कर लें थ्री ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व है इसमें से आप नेगेटिव दिश करेंगे तो ये टू ट्वेंटी आ रहा है सो so, जब आपने वैल्यू रखी है वन माइनस फिफ्टी फाइव ओवर थ्री तो आंसर आ रहा है वन ओवर ट्वेंटी सेवन कॉमन निकाल लें ने प्लस टू ट्वेंटी इन टू फिफ्टी फाइव नहीं जी ये था आपका सिक्स पार्ट होपफुली इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैलकुलेटर से डायरेक्ट की बजाय आपको वो पॉइंट्स की बजाय आप कोशिश करें इसके स्टेप पूरे करने चलें जी यहाँ तक कोई मुश्किल बात चलें आगे चलते हैं जी ओके okay, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है टू का सेवन पार्ट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर एफ ओफ एक्स इज इक्व टू एक्स फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर जी वीडियो को स्टॉप करें खुद करें आप कर सकते हैं शाबाश अटेम्प्ट कीजिएगा चले मैं कर रहा हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू दिस फर्स्ट डेरिवेटिव लें जी डिफेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से डिफेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा ये फोर एक्स क्यूब माइनस फोर इंटू टू पार पार वो पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव पार है जी टू टू को नीचे उतारें टू में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है इसकी जगह भी वन आ जाएगा और ये भी वन आ जाएगा देखिएगा यहां तक कोई कन्फ्यूजन और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा फोर एक्स क्यू माइनस एट एक्स नंबर टू तो एक डेरिवेटिव आ गया आगे फिर डेरिवेटिव निकालते हैं सो अगेन डिफेंशिएट दस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से दोबारा डिफेंशिएट कर दें अगेन रूल लगेगा फर्स्ट वन के लिए और सेकंड में यह कॉन्स्टेंट नेगेटिव एट बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव बेटा आपके पास क्या होता है ये वन के इक्वल होता है सो so इसकी जगह पर हम क्या करेंगे वन पुट कर देंगे ऐसे ही है चलें तो एक्स क्यूब है पार रूल अप्लाई करें पार को नीचे उतारें पार में से माइनस कर देते हैं ओके जी देखते हैं तो क्या आ जाएगा फोर थ्री जै ट्वेल्व एक्स का डेविटिव वन आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्र और यहाँ पे भी वन डायरेक्ट भी कर सकते थे ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ही हो गया खैर चले तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस एट और सिम्प्लीफाई कर लें इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जी तो आपके पास आ रहा है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस एट इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब क्या कहते होते थे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना अब मसला एक और आ गया है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो क्यूब आ रहा है और क्यूब के लिए डायरेक्ट फैक्टर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये क्यूब आ गया है तो लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है इससे ज़रा इजी हो जाएगा तो क्यूब में क्या आ रहा है फोर एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा स्क्वायर देखो इजी हो गया ना ठीक है तो वो सिंथेटिक डिवीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है खैर तो आइधर करके लिखेंगे जी फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो फोर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो एक्स इज इक्ल टू जीरो आ रहा है और एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट टू अब यहां पे अगर देखें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू आ रही है और दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस टू के लिए इसको आगे लेके चलते हैं पहले देखें यहां तक ओके चलें जी आगे चलते हैं

इसका मतलब क्या हुआ है फंक्शन टूरो दूसरी वैल्यू के लिए चेक करते हैं और दूसरी वैल्यू क्या थी आपके पास x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट टू तो प्लस अंडर रूट टू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व इंटू अंडर से कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व टूजी फोर माइनस एट सिक्सटीन Which is greater than zero, mean relative अब हमने चेक करना है एट एक्सर रूड टू को पुट करेंगे किसमें ओरिजिनल वन में सो so, यह आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट टू की पार फोर माइनस फोर टू का स्क्वा कैंसिल हो जाएगा और एक टू रहेगा तो टू की पार टू यह स्क्त अंडर से कैंसिल हुआ है तो टू सो फोर माइनस एट माइनस फोर

सो so, x की जगह पे अब माइनस अंडर रूट टू रखेंगे तो एक्चुअली फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर था तो जो हमने इधर किया वही चीज़ आ जाएगी मीन 16 ग्रेटर रेटर दैन जीरो मिनिमा ही आ रहा है ठीक है अब इसको इक्वेशन वन में भी पुट करके चेक करते हैं तो आपके पास x की जगह अंडर रूट नेगेटिव अंडर रूट टू आ रहा है और इधर अगर हम देखेंगे एक्स इज टू तो जीरो नहीं है सॉरी सा, ये अंडर रूट टू है काइंडली ये तो हमें सेट करने दीजिएगा यहाँ पर बेटा ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट एक था पॉजिटिव अंडर रूट टू और एक है नेगेटिव सॉरी कंपोजिंग करते हुए ये मिस हो गए और जब इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट टू अच्छा जी तो जब नेगेटिव रखेंगे तो आप देखें आंसर दोनों में सेम आ रहा है बिकॉज होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में आंसर में फर्क नहीं आ रहा ठीक है तो ये एक छोटी सी करेक्शन है जी ये भी इनस टू एल ठीक है जी चलें चलें जी ये एक छोटी सी करेक्शन थी बेटा वैल्यू रखते हुए टू का सेवन पार्ट हमारा चल रहा था और मैं बार बार कहता हूँ बेटा अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे ईमेल मेल एड्रेस से ज़रूर गाइड कर दिए करें ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर दूँ तो उसमें ये मिस्टेक ओके okay कर दूँ अच्छा जी तो चेक करें जी। जब ये माइनस अंडर रूट टू रखा है तो ये चूँकि पार पॉजिटिव होल इवन नंबर थी सो तो ये पॉजिटिव ही रहा है फ़र्क कोई नहीं आया सो फोर माइनस अगेन माइनस आ रहा है

नेक्स्ट एक थिंग नेक्स्ट आपके पास है टू का एट पार्ट अगेन इसको पहले खुद अटेंड करें फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा आपके पास ये चीज so तो आप स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं क्या कह कर रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा ले, ले सकते हैं तो क्या होता था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट याद आ रहा प्रोडक्ट रूल टू पॉइंट थ्री ओके सो एक्स का डेवेटिव आ जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो इधर पार लगाएंगे होल पार्ट टू टू को नीचे में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव थोड़ा सा डायरेक्ट कह रहा हूं मैं एक्स का डेवेटिव होता है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और सिंपलीफाई कर लें तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टू इंटू एक्स माइनस टू क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है तो आपके पास बाकी क्या बचा अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लें टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो so, ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू थ्री एक्स माइनस फोर देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन ये आ गया बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव अब क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है आप इसका आप सेकेंड डेवेटिव लेंगे चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो so, f डैश क्या आ जाएगा f डबल डैश अगेन प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेवेटिव ऑफ फर्स्ट थ्री कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x का डेवेटिव वन होता है नेगेटिव फोर का डेवेटिव जीरो कांस्टेंट का x का डिवन और नेगेटिव टू कॉन्स्टेंट है इसका डवेटिव जीरो आ जाएगा ऐसे ही है और सिंप्लीफाई कर लें थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स माइनस सिक्स और वन को किया है तो थ्री एक्स माइनस फोर सो so, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिक्स एक्स माइनस टेन आर यह दो डेरिवेटिव आपके पास आ चुके हैं चुके हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है सो so, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखें और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें पहले देखें यहां तक ओके okay है श्योर है चलें आगे चलें आगे देखते हैं सो so, बेटा आप क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो देखते हैं जी पुट फर्स्ट डाइवेटिव इज इक्वल टू जीरो ये सारी क्वेश्चन याद आने के लिए मैंने लिखी है ताकि याद रहे खैर हमने सर डायरेक्टली फर्स्ट डाइवेटिव इक्वल टू जीरो रखा है फर्स्ट डाइवेटिव हमारे पास था एक्स माइनस टू थ्री एक्स माइनस फोर तो आइधर करके लिख लेंगी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू टू और ये नेगेटिव फोर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो ये दो वैल्यू पर चेक करना हमने की बात करें कि मिनिमा या maxima. ठीक है जी पिछले पार्ट में तीन थे अभी ये दो वैल्यूज है चलें जी चेक करते हैं जी अगले स्लाइड पे चलते हैं ओके तो देखते हैं जी हमारे पास पहली वैल्यू आई थी एक्स इक्वेशन जीरो में रखें सुपोर्ट एक्स एक एन इक्वेजन थ्री सिक्स टू जर ट्वेल्व माइनस टेन टू आर है प्लस टू ग्रेटर देन जीरो फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मिनिमम अब इसको ओरिजिनल वैल्यू में भी रख लेते हैं तो पोटेक्स इज इक्वल टू वन और वन क्या थी ये ऊपर मैंने दोबारा लिख ली है एक्स की जगह पे बेटा टू रख रह देंगे सो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा ये इसने सारे जीरो कर दिया पकड़ के तो ये एफ ऑफ टू क्या आ गया जी जीरो के देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन तो एक वैल्यू पे बेटा हमने चेक कर लिया है अब चलते हैं हम दूसरी वैल्यू पे इसको चेक करने के लिए ओके okay जी दूसरी वैल्यू देखते हैं जी दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री इसको इक्वेशन थ्री में रखें तो सिक्स इंटू फोर ओवर थ्री थ्री टू जार सिक्स टू फोर जार एट तो ये नेगेटिव टू आ रहा है मीन लेस देन जीरो आ रहा है मीन मैक्सिमा आ रहा है रिलेटिव मैक्सिमा तो इसको ओरिजिनल फंक्शन में भी पुट करते हैं सो पुट एक्स इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन वन क्या थी ये दोबारा रिमाइंडर के तौर पर लिख रहा हूँ मैं जहां जहाँ एक्स है बेटा फोर ओवर थ्री पुट कर दें एलसीएम ले लें इनका तो ये आ जाएगा फोर माइनस एक्स ओवर दस फोर माइनस थ्री ओवर थ्री तो ये आ रहा है नेगेटिव टू का स्क्वायर ओवर थ्री नेगेटिव टू का स्क्वायर प्लस फोर है वन ओवर थ्री तो फोर थ्री नाइन जार ट्वेंटी सेवन सो एफ ऑफ फोर ओवर थ्री इज इक्वल टू फोर ओवर ट्वेंटी सेवन ये लें जी रिलेटिव मैक्सिमा भी आ गया और किस पॉइंट पे वो भी बता दिए देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन और ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है था चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक नाइन पार्ट है अगेन यू हैव टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द गिवन फंक्शन फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अगेन वीडियो को स्टॉप करें और अपने ऑन पे बेटा अटम्प्ट करने की कोशिश करें ओके okay जी होपफुली आपने ये अटेम्प्ट किया हो गया वीडियो प्ले की होगी या मेरे साथ टैली कर लें एफ ओफ एक्स आपके पास दिया हुआ दस से नंबर वन सो डिफेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से आप इसको डिफेंशिएट कर दें बिल्कुल ओके okay. अब बेटा एफ ओफ एक्स आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट फाइव है फाइव का डेरिवेटिव लादा है थ्री कॉन्स्टेंट बाहर एक्स का डेरिवेटिव और एक्स क्यूब में पारू लग जाएगा सो so, का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा एक्स का डेवेटिव वन और पार रूल में क्या आ जाएगा पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं सो अगेन डेफेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड सो वी लैदा कर लें और थ्री लैदा आ गया एक्स स्क्वायर ट का डेरिवेटिव जीरो है और पार को और नीचे उतारें पार में से माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस सिक्स देखें यहां तक कंफ्यूजन ओके जी दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं अब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं मीन फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो चेक करते हैं जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आप फर्स्ट डिडेव के इक्वल टू जीरो रखेंगे थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्र इज ईगल टू जीरो थ्री कॉमन निकाल लें ओके थ्री जाए खत्म हो जाएगा जीरो व थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इज ईगल टू वन अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वन तो एक्चुअली दो वैल्यूज आ गई जहाँ पे हमें ये चेक करना होगा मिनिमम या मैक्सीम देखें यहाँ तक ओके श्योर है चलें आगे ओके तो बेटा अब x इज इक्वल टू वन को पुट कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव में सो पुट एक्स इज इक्वल टू वन एन इक्वेशन थ्री वी हैव नेगेटिव सिक्स इन टू वन विल बिकम नेगेटिव सिक्स व्हिच इज लेस देन जीरो सो द गिवन फंक्शन इज अ रिलेटिव मैक्सिमम फॉर ओरिजिनल वैल्यूज पुट दिस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट करेंगे फाइव प्लस थ्री इंटू का क्यूब फाइव प्लस थ्री नेगेटिव वन ये सेवन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वन किसके इक्वल आ गया ये सेवन के इक्वल आ गया। देखिएगा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन एक और वैल्यू पे हमें अभी इसको चेक करने है और वो क्या थी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओके जी तो चेक करते हैं। थी? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे इसको करेंगे माइनस एक्स इंटू दिस प्लस एक्स विच इज ग्रेटर देन जीरो और रिलेटिव क्या आ जाएगा मिनिमम अब इसी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख लें तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू तो इसमें आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है फाइव माइनस थ्री प्लस वन दिस विल बिकम प्लस थ्री सो आप कह सकते हैं ये एफ ऑफ माइनस वन किसके इक्वल आ रहा है ये थ्री के इक्वल देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन और कितने का ये ठीक है ऑनेस्टली अगेन कमेंट में बताइएगा ठीक है जी तो आप देख रहे हैं सेम टाइप पे ये सारे आगे क्वेश्चन होते जा रहे हैं ओके सक... okay, जी आ, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली लास्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर की बात करें इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये दे रही है कि उसने इंटरवल मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर आपने देखना है जीरो से टू रेवोल्यूशन की बात कर रहा है सो चेक करते थी सबसे पहले हम क्या कहते हैं इसका फर्स्ट बात है हम सेकेंड डेवेटिव टेस्ट से ही इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फर्स्टिव डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपलाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड तो एफ ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा का अलग से ले लें कॉस का डेरिवेटिव अलहदा से ले लें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है ये कॉस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव लिखना चाहें तो जरूर लिखें वो वन होता है अगेन डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड तो एफ डैश क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये एफ डबल डैश हो जाएगा कॉस का डेवेटिव माइनस साइन और साइन का डेवेटिव नेगेटिव बाहर था ये, आ जाएगा। ये लें जी, ये दो डिव आ चुके हैं अब हम क्या करेंगे फर्स्ट डेवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फर्स्ट डेवेटिव क्या थी आपके पास कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और यू कैन से दैट साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा शफल कर दें जी साइड्स को अब दोनों तरफ कॉज से डिवाइड कर दें तो एक्चुअली ये कॉज कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो ये टेंज एक्स से जीगो वन आ रहा है और एक्स की वैल्यू वैसे आप टेंस वन निकालेंगे तो फोर्टी फाइव आ रही है लेकिन यहाँ पर उसने चेनिंग की थी जीरो टू टू फाई यानी कि पूरे इंटरवल की बात पूरे रेवोल्यूशन की बात की थी तो एक आंसर फोर्टी फाइव आएगा अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये टेंज एनवर्स टू ट्वेंटी फाइव भी यही आएगा तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है जिसकी वजह से मैंने आपको डायरेक्टली खुद करने के लिए नहीं बोला था आपको कहा था ये कहा था नहीं अभी है कि ये इस क्वेश्चन को ये यहाँ से जरूर याद रखिएगा सही है अब पाए में इसलिए लिख रहा हूँ पाए बाय वन एटी से मल्टीप्लाई करें कि क्वेश्चन इंटरवल इन टर्म्स ऑफ पाए और आंसर भी इन टर्म्स ऑफ पाए दिया हुआ है तो आप इसको फोर्टी फाइव को भी पाई बाय वन एटी से मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा पाई बाय फोर और टू ट्वेंटी फाइव डिग्री को भी पाई बाय फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे तो फाइव पाई बाय फोर आर देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन चलें जी अब x की दो वैल्यू के लिए एक्चुअली आपको चेक करना है किस में आप पुट करेंगे डेरिवेटिव में 3 में इक्वेशन रख के हम चेक करते हैं इसको यहां तक देखें ओके okay है जी ओके जी फाइनली हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी थी अब इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक करते हैं सो पुट एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री इन इक्वेशन थ्री फोर्टी फाइव या फाइव बाई फोर सो पाई बाय फोर लिख लेंगे तो जरा अच्छा लगेगा सो पाई बाय फोर हम पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय फोर क्या होता है या साइन फोर्टी फाइव वन ओवर एंड्रो टू और कॉस फोर्टी फाइव डिग्री अगेन वन ओवर अंड्रो टू एल्शियम ले, ले लेंजिए इसका तो क्या आ जाएगा नेगेटिव वन नेगेटिव वन ओवर एंड्रो टू सही है या नेगेटिव टू ओवर एंड टू तो नेगेटिव आंसर आ रहा है मीन लेस देन लेस देन जीरो का मतलब फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा ऐसे ही है अब फंक्शन हो गया रिलेटिव मैक्सिमम अब ओरिजिनल इक्वेशन में भी इसको पुट कर लेते हैं मीन पुट एक्स इज इक्वल टू पाई फोर इन गिवन इक्वेशन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा साइन पाए बाय फोर कॉस पाव बाय फोर और साइन पाए बाई फोर अगेन टू कॉस पाए बाय फोर अगेन टू तो ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर टू या ये आ जाएगा टू ओवर टू इसमें आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है देखें ये जो न्योमिनेटेड टू है इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट टू का स्क्वायर ऐसा ही है तो क्यों लिखा है ये एक अंडर रूट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला अंडर रूट रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमा एक्स इज इक्व टू फाइव बाय फोर एंड एफ ऑफ पाइव बाय फोर इज इको टू क्या आ जाएगा अंडर रूट टू देखें यहां तो कि कन्फ्यूजन अब एक और वैल्यू थी जिसमें हमें इसको चेक करना था एक्स की एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या था टू ट्वेंटी फाइव डिग्री या फाइव पाई बाय फोर तो x की जगह पे आप π/4 रखें दोनों साइड पे sin π/4 आप कैलकुलेटर से देखेंगे ये आ रहा है नेगेटिव -1/√2 और cos π/4 भी नेगेटिव -1/√2 ही आ रहा है ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव एलसीएम ले लेंगे तो एक्चुअली ये प्लस में आंसर आ रहा है प्लस का मतलब ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा रिलेटिव मिनिमा ओके इसका मतलब पाई बाय फाइव पाई बाय फोर पे ये मिनिमा आ गया है अब इसको ओरिजिनल फंक्शन में भी रख के देखें सो so पुट करें जी एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाय फोर एन वन सो एक्स की जगह पे आप फाइव पाई बाय फोर पुट कर दें और इसमें क्या आंसर आ रहा है नेगेटिव वन और अंडर टू नेगेटिव वन अंडर एलसीयम ले लें नेटिव वन और नेगेटिव वन नेगेटिव टू आ जाएगा फिर इस टू को उसी तरह अंडरवूड की फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर करके एक अंडरवूड कैंसिल हो जाएगा सो योर फाइनल आंसर इज नेगेटिव अंडर टू इसका मतलब फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इकल टू फाइव फोर एंड एफ ऑफ फाइव आई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री आगे चलते हैं जी ओके okay जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

v का स्क्वायर वी एज एस ऑफ u माइनस यूज यू इज इगोल टू log ऑफ x. कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी Log ऑफ x का डिव क्या होता है वन ओवर x और x का डेटिव वन सो ये log ऑफ x का आ जाएगा 1 ओवर x एंड x का डेटिव 1 ठीक है एंगल का डवेटिव लेंगे फिर भी 1 आ जाएगा ये x x से कैंसल हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा वन माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव चलते हैं जी इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ सो अगेन डिफरेंशिएट डिफेंशिएट विध रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें सो ये आपके पास क्या आ जाएगा अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा सो so, आपके पास क्या आ जाएगा वी स्क्वायर वी एट दट एस डेवेटिव ऑफ यू माइनस यू एट दी अगेन लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें वन का डेवेटिव जीरो लॉग ऑफ एक्स का वन ओवर एक्स फिर एक्स स्क्वायर है तो पार रूल लगेगा पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेवेटिव थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया होपफुली आप कर सकेंगे ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव एक्स रह जाएगा और इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स आ जाएंगे मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है जी तो ये नेगेटिव थ्री एक्स प्लस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स फोर ये आपके पास और x कॉमन निकल रहेगा तो सेकेंड डायवेटिव आपके पास ये आ चुका है तो चलें जी सेकेंड डायवेटिव तक कोई कंफ्यूजन अब करना क्या है आपने फर्स्ट डायवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना है और वहां से x की वैल्यू निकालनी है ओके जी अब हम क्या करने जा रहे हैं फर्स्ट डायवेटिव को इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो फर्स्ट डायरेटिव क्या था वन माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है इसको हमने जीरो के इक्वल रखा ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव साइन शफल करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स ए जिगेडो वन लॉ की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि एक तरह से लॉ खत्म करें तो दूसरी तरफ ये ई की पावर आ जाती है ऐसे ही है, याद है लॉग एक तरफ ख़त्म किया दूसरी तरफ जो भी होगा वो ई की पावर में आ जाता है और ई पार वन जो होता है वो ई e होता है सो एक्स से जिगेड ई आ गया आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ये उसने गेवन भी दिया हुआ है ये देखो एट एक्स इज टू ई मैक्सीम उसने कहा था तो ये मेरे ख्याल में निकालने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी उसने दिया हुआ है लेकिन चूंकि की बुक वाले आप देखें ऑलमोस्ट सब ने निकाला हुआ है तो निकाल लेना चेक कर ये ना ना कहेंगे ये नहीं निकालना खैर एक्स की इज इक्वल टू e, ई पे एक्चुअली हमने ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है कि नहीं उसके लिए हम पुट क्या करेंगे इसको सेकेंड डायबेटिव में और याद है सेकेंड डायबेटिव यहाँ तक आया था हमारे पास ऐसे ही है और सिंपलीफाई कर लेते हैं सो पुट एक्स इज एक टू इन इन क्वेजन थ्री इक्वेन थ्री में बेटा इसको रखें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ई रख दें लॉग ऑफ ई ये कैलकुलेटर से आप चेक कर लें एल एन ऑफ ई बेटा वन के इक्वल होता है सो so ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टू या नेगेटिव वन ओवर ई क्यूब अच्छा ई e की वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन समथिंग याद है तो जब वन ओवर टू पॉइंट सेवन वन समथिंग करेंगे और बाहर चुके नेगेटिव है तो ये लेस देन जीरो ही रहेगा नेगेटिव ही रहेगा और लेस देन जीरो का मतलब है मैक्सिमम तो यही नहीं प्रूव करना आपने दैट्स इट कोई मुश्किल बात सही है अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं है क्योंकि उसने सर ये कहा था मैक्सिमम आपने प्रूव करना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सो इसको थॉरोली कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन जो है वो इससे मिलता है जुलता है तो चलते हैं अब उसकी तरफ ओके जी क्वेश्चन नंबर फाइव देखें तो अगेन मिनिमम यहाँ पे करना है ई सो फर्स्ट डेरिवेटिव लें और याद है आपको टू पॉइंट आई थिंक सो सेवन थी वेरिएबल की पार वेरिएबल होता था तो हम क्या करते थे एलन लेना दोनों तरफ लॉग लेंगे सो लॉग देश और ये एंगल की पार है तो ये लॉग से पहले आ जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स याद आ रहा है हमने इस तरह के दो तीन पार्ट किए थे तो दो पार्ट एक एग्जाम्पल थी सो so, अब आप डिफेंशिएट कर सकते हैं डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और इधर राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा सो so, ये तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे वन ओवर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स और प्रोडक्ट रूल क्या था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन सो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स और एस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन आ जाएगा एक्स so, x, x से कैंसिल हो रहा है ये f ऑफ x डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, आपके पास f डैश ऑफ x क्या आ गया जी f ऑफ x ये दोबारा जो गिवन था दोबारा वैल्यू रख ली है। ये आ गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन देखिएगा जी यहां तक वो कन्फ्यूजन अब हम क्या कह रहे हैं इसका सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं सो अगेन डेरिवेटिव अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन ऑपरेटर ऑन बोथ साइड सो एफ डैश क्या आ जाएगा एफ डबल डैश यहां पे फिर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज दट एजेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज एजिव ऑफ फर्स्ट अच्छा अब ये एक्स पार एक्स का डेवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही तो हमने शुरू में निकाला था ठीक है वो ऑलरेडी है हमारे पास कल लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है यूजिंग टू सो इस वन का डेवेटिव जीरो लॉग ऑफ एक्स का डेवेटिव वन ओवर एक्स और x पार x की जगह पे ये मैंने कल लैंग्वेज यूज की है ये सारा आपने लिख देना है एक्स पार एक्स वन प्लस लॉग ऑफ एक्स याद आ रहा है ये हमने सारी चीजें अभी करके दें तो और सिंप्लीफाई कर लें जी तो ये आ जाएगा दस और x पार वन ओवर x log ऑफ x वन प्लस लॉग ऑफ एक्स ये भी और ये भी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन निकालना चाहें तो x पार वन ओवर x पार x कॉमन निकल रहा है ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री सेकेंड डेरिवेटिव आ चुका है देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब अब चलते हैं जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हैं और वो एक रसम है वो पूरी कर लेते हैं एक्स की वैल्यू निकालने की हालांकि इसमें भी एक्स की वैल्यू उसने वन ओवर ई के इक्वल दी हुई है चलें जी मैं स्टेप आपको कंप्लीट करवा देता हूं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो फर्स्ट एवेटी को इक्वल टू जीरो रखें इसमें एक्स पार एक्स जीरो नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते बिकॉज ये तो गिवन क्वेश्चन है अगर इसी को जीरो रख लिया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है अगर ये जीरो नहीं है तो फिर दूसरा जीरो के इक्वल होगा ऑब्वियस बात है सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन होते जाके नेगेटिव हो गया एक तरह से लॉ खत्म करेंगे दूसरी तरफ ई की पार आ जाएगी और ई पार वन माइनस वन होता है वन ओवर ई तो ये वही काम है जो उसने दिया हुआ तो अगेन अब आप पुट करेंगे इसको किसमें सेकेंड डेवेटिव में सो पुट एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई एंड सेकेंड डेवेटिव सो सेकंड डाइवेटिव में, so e so में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन ओवर ई पुट कर देंगे ओके सिंपलीफाई कर लें तो ये वन ओवर ई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा दो डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं याद है सो so ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस लॉग ऑफ ई कैलकुलेटर से देख लें एलन ऑफ वन जीरो होगा एलन ऑफ ई वन के इक्वल होता है सो so, ये आ जाएगा जीरो माइनस वन ये नेगेटिव वन अच्छा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा सो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा ब्रैकेट को पहले आपने सॉल्व करना है एक्सपोनेंट को हम बाद में देखेंगे सो ये जीरो का स्क्वायर जीरो ही आ जाएगा ऐसे ही है सो so, फाइनली आपके पास वन ओवर ई होल पार वन ओवर ई अच्छा ये ई टू पॉइंट सेवन वन होता है तो ये वन ओवर टू पॉइंट सेवन वन कर लें या उसकी पावर ले लें या जो मर्जी करेंगे आंसर पॉजिटिव ही रहेगा नेगेटिव तो नहीं ना आएगा और अगर आंसर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब फंक्शन आंसर क्या हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा यही नहीं हमने प्रूव करना था सो द फंक्शन एज रिलेटिव मिनिमम एट एक्सिकल टू ईन ओवर ई तो ये था जी आपकी एक्सरसाइज मैंने कोशिश की है जी सारे क्वेश्चन सारे पार्ट सॉल्व करनी है मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा बहुत टाइम टेकिंग काम है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये मैक्सिमम करवा लूँ आपका सिलेबस पूरा हो चुका है आप अपने ऑन पे कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा बस आप ये ही है कि जी मेरे पास अगर टाइम है तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ तो लेकिन अपने ऑन पे अटैम्प्ट करें और ख़ुद करने की कोशिश करें चले जी अभी तक के लिए इतना ही इन जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्शन में मुलाकात होगी तो अल्लाह हाफिज